झारखंड हाई कोर्ट ने माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश की याचिका मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश की याचिका को मेंटेनेबल बनाया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। अब दोनों याचिका में मेरिट पर सुनवाई होगी। वहीं मनरेगा मामले में भी अब मेरिट पर सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने 80 पेज का ऑर्डर जारी किया है। सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने पार कर लिया बड़ा सक्सेसफुली, और इसमें माननीय न्यायालय ने आज जो है हमारे फेवर में ऑर्डर आया है कि मेंटेनेबल है ये पिटीशन, यानी जो पहला और दूसरा पिटीशन है जिसमें शेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे वो, और सीएम का जो माइनिंग लीज है, ये दोनों जो है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा माननीय न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है ऑर्डर वर्बली। और माननीय न्यायालय का कहना है कि 70-80 पेजेस का बहुत लेंथी जजमेंट्स है, तो ये जजमेंट जो है एक दो दिन के अंदर आ जाएगा सबके लिए और अपलोड हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरिट की बात है, अब मेरिट पे सुनवाई के लिए आज माननीय न्यायालय ने सबको कहा, एडवोकेट जनरल को भी कहा कि आप मेरिट पे सुनवाई शुरू कर दीजिए, सुनाइए अपना। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको समय चाहिए काफ़ी लंबा। हम लोगों ने अपोज किया कि चूंकि एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग सुनेंगे लेकिन इतना हम समय नहीं देंगे, इसको ट्यूजडे को ही शुरू में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय फिक्स कर रही थी, लेकिन इसको 10 तारीख को रखा गया है। अब ये फिजिकल मोड में कोर्ट में ही सुनवाई इसकी होगी, और इसको 10 तारीख को अब सुनवाई के लिए रखा गया है कि मेरिट पे इसकी सुनवाई है। क्या दो तो आज दोनों केस में मेंटेनेबल है, ऐसा माननीय न्यायालय का कहना है कि दोनों केस जो है मेंटेनेबल है और ये सुनवाई योग्य है। यानी शिवशंकर शर्मा का जो क्रेडेंशियल था और उनका मेंटेनेबिलिटी पार्ट था, उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली माननीय न्यायालय के ध्यान में हम लोगों ने मीट कर लिया है, और ऐसा हम लोगों का जो सबमिशंस था उसको माननीय न्यायालय ने मान लिया है। सर, रिटन ऑर्डर तो बाद में आएगा। न्यायालय ने कोई ग्राउंड्स नहीं दिया, इसलिए क्योंकि बहुत लेंथी ऑर्डर है। माननीय न्यायालय का कहना था कि हम जो है ये ऑर्डर एक दो दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते। फिलहाल केस एडमिट हो गया, केस एडमिट हो गया, अब ये केस चलेगा, ऐसा हम लोगों का एक बहुत खुशी की बात है कि माननीय न्यायालय ने हम लोगों का जो आर्गुमेंट था, जो सॉलिसिटर जनरल का, तुषार मेहता साहब का आर्गुमेंट था, हम लोगों का आर्गुमेंट था, उसको माना और इसको आगे बढ़ने के लिए कहा है कि अब ये मामला आगे बढ़ेगा। वो तो हमेशा ओपन है लोगों के लिए, क्योंकि पूर्व में भी राज्य सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहाँ से एक ऑर्डर आया था माननीय न्यायालय का, तो उस पर जो है ये मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हुई, और ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना था, कहा था ऑर्डर में कि आप जो है मेंटेनेबिलिटी पे सुन लीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर जाइए मेरिट पे। वहीं याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि अगली सुनवाई 10 जून को होगी। पे आर्गुमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुई, इसके लिए कहा गया कि सिब्बल साहब नहीं है और उनके लिए कुछ इनकन्वीनियंस है पर्सनल, तो इसलिए उसको रखा गया है ट्यूजडे के बदले 10 तारीख। क्या 10 जून को दोनों पर मामले पे मेरिट पे सुनवाई अब होनी है? अब कोई इंट्री मेंटेनेबिलिटी पार्ट जो है वो नहीं रह गया है तीनों केस में, क्योंकि तीसरा केस में तो था ही नहीं मनरेगा वाला में, लेकिन दो केस माइनिंग और शेयर कंपनीज वाले में था, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय ने सुना और हमारे पक्ष में आज के दिन में न्याय आया। सरकार की तरफ से दलीलें रखी गई थी, देखिए चूंकि कोई अभी उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, हम लोगों ने देखा नहीं है पिटीशन ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट का, और ऐसा किसी के सामने नहीं है, इसलिए ये कहना भी उचित नहीं होगा। हम लोगों ने सबमिशन जो किया था उसको लगता है कि माननीय न्यायालय ने अप्रिसिएट किया, ऐसा हमें लगता। अब सबकी निगाहें 10 जून को इस हाई प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई पर टिक गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।